लास्ट लेक्चर में हमने मैपिंग्स को इन डेप्थ डिस्कस करा था और साथ ही साथ हमने मैपिंग्स बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स मैपिंग्स बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स एंड मैपिंग्स बिटवीन ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स की मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलपमेंट भी करी थी सो ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करी थी सो दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द मैपिंग बिटवीन टू फ्रेम्स वेन द फ्रेम नंबर 2 इज़ ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फ्रेम नंबर 1 सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल मैपिंग सो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन एट द सेम टाइम सो इन matrix फॉर्म हमने इस इक्वेशन को डिराइव करा था अगर आपको नहीं पता है सो यू जस्ट गो एंड वॉच लेक्टर लेक्चर नंबर 16 ऑन माय चैनल उसमें हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव करा था सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पॉइंट पी ऑन अ रिजिड बॉडी इन फ्रेम नंबर टू इन टर्म्स ऑफ फ्रेम नंबर ठीक है सो वेन द फ्रेम टू इज ट्रांसलेटेड बाय दिस डिस्टेंस एंड रोटेटेड बाय दिस डिस्टेंस, देन दिस इक्वेशन विल टेल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट इन फ्रेम वन ओके सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें इस इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सो दिस टर्म सिग्निफाइज द रोटेशनल मैपिंग सो आई विल राइट रोटेशन ये टर्म जो है ये रोटेशन है और ये जो टर्म है दिस इज ट्रांसलेशन सो दिस टर्म इज ट्रांसलेशन ठीक है सो so, ये जो इक्वेशन है दिस पी इन फ्रेम वन दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट इन फ्रेम वन इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट इज रोटेशन एंड सेकेंड कम्पोनेंट दिस कम्पोनेंट इज द ट्रांसलेशन ठीक है सो इतना हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करा था इसके बाद हम होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है दिस टर्म दिस इज द रोटेशन दिस सेकेंड टर्म इज द ट्रांसलेशन और जब आप इन दोनों को कंबाइंड कर दोगे सो वैन यू एड बोथ ऑफ दिस यू गेट द ट्रांसफॉर्मेशनल मैपिंग सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पोजिशन वैक्टर फ्रॉम द मूविंग फ्रेम टू दिक्कत सो मूविंग फ्रेम को हमने फ्रेम टू से रिप्रेजेंट करा था फिक्सड फ्रेम को वन से रिप्रेजेंट करा था ठीक बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है द अब इक्वेशन इज नॉट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म जो ऊपर की इक्वेशन है हमारी दिस इज नॉट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म सो इफ यू सी

फ्राम द फिजिकल कॉर्डिनेट्स या कार्टिजियन कॉर्डिनेट्स से हम इसे एक बेटर अपियरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग होमोजीनियस कॉर्डीनेट्स और इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग थ्री पैरामीटर्स वी यूज़ फोर पैरामीटर्स ठीक है एंड कम्बाइन द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मैपिंग टुगेदर टू फॉर्म द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स सो हम क्या करेंगे जो रोटेशनल मैपिंग थी और जो ट्रांसलेशनल मैपिंग थी दोनों के इफेक्ट कम्बाइन करेंगे और उसे एक बेटर कंप्यूटेशनल एफिशेंसी पाने के लिए हम उसे एक बेटर रिपेयरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दैट फॉर्म इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म और उसी फॉर्म को हम कहते हैं होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ठीक है सो वाई देर इज नीड सो वाई देर इज नीड टू कन्वर्ट इट इंटू अ होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन दी कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी ज़रूरत क्या है सो so अगर आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्रिएट करोगे ठीक है सो इफ आई क्रिएट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सो ये है हमारा रोटेशनल मैट्रिक्स एंड दिस इज द लाइन दैट इज अ सिम्बॉलिक सेपरेशन और यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसलेशनल मेट्रिक्स ठीक है सो so अगर मैं इन दोनों के इफेक्ट को कम्बाइन करता हूँ इन देयर फिजिकल कॉर्डिनेट्स या कार्टिजन कॉर्डिनेट में सो so आपको पता है ये थ्री बाई थ्री तो हमारा रोटेशन मेट्रिक्स है सो दिस एंटायर थिंग इज द रोटेशन मेट्रिक्स सो इफ आई कैन मार्क ये हमारा पूरा का पूरा क्या है दिस इज द रोटेशन मेट्रिक्स ये जो नाइन एलिमेंट्स हैं दिज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रोटेशनल मैट्रिक्स, ठीक है सो so ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स है एंड दिस वन इज ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको फिजिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो देर इज अ सब मैट्रिक्स लाइक दिस ये हमारा एक थ्री बाय थ्री का सब मैट्रिक्स है और ये हमारा एक सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर थ्री टाइम्स वन अगर आप दोनों को ऑगमेंटेड मेट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो यानी कि आप इसे पार्टीशन फॉर्म में लिखते हो सो इट विल बी अ थ्री बाई फोर मेट्रिक्स एज यू कैन सी थ्री रोज होंगी रो नंबर वन रो नंबर टू एंड रो नंबर थ्री बट देयर विल भी फोर कॉलम्स वन टू थ्री एंड फोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मेट्रिक्स ठीक है सो so बहुत सारे हमारे जो एलगोरिदम्स हैं दे डिमांड अस टू हैव स्क्वायेर मेट्रिक्स फॉर बेटर कंप्यूटेशन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यानी कि अगर ये इंस्टेड ऑफ थ्री क्रॉस फोर यहाँ पे अगर फोर क्रॉस फोर हो जाए सो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी और इट विल बी वेरी इजी टू मेक द एलगोरिदम्स ठीक है सो so, बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं वेयर यू हैव टू क्रिएट द स्क्वायर मैट्रिक्स टू गेट अ कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड टू रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा सो देर इज अ नीड टू कन्वर्ट दिस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है सो so ये जो थ्री क्रॉस फोर का मैट्रिक्स है इसको हमको क्रिएट करना है एक फोर क्रॉस फोर के मैट्रिक्स में सो दैट वी अचीव अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट विल बी क्वाइट इजी टू सॉल्व कंप्यूटेशनली बिकॉज आप क्या करते हो जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम में यू विल राइट सम काइंड ऑफ लूप्स ठीक है सो so जैसे मैंने फोर लूप लगाया सो so एक काउंटर होगा आई दैट विल बी फॉर द नंबर ऑफ रो इंडेक्स यहाँ पे आई हो जाएगा इसी के अंदर यू विल क्रिएट अ नेस्टेड लूप ठीक है फॉर जे एंड दिस विल बी फॉर दी कॉलम सो जब आप मेट्रिक्स को इन कंप्यूटेशन आप रिप्रजेंट करोगे सो दिस विल बी ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी और डिजायर टू हैव स्क्वायर मेट्रिक्स सो दैट आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर सको सेकेंड हमें क्या करना होता है ये जो हमारा मेट्रिक्स है सो दिस इज अ सब मेट्रिक्स ऑफ थ्री बाई थ्री दिस इज़ अ सब मेट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस वन बट इन रोबोटिक्स यू डू नॉट सॉल्व द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स यूजिंग पेन एंड पेपर पेन एंड पेपर तो हम बस एग्जाम के लिए यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में आपको ये जितने भी मेट्रिक्स हैं इनकी जितनी भी कैलकुलेशन है ये सारी के सारी यू हैव टू सोल्व देम ऑन अ कंप्यूटर और अ सिस्टम ऑन मॉड्यूल ठीक है तो उस केस में क्या होता है हमको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ती है इन दैट केस यू हैव टू डील विथ कंप्यूटेशनल ग्राफिक्स और कंप्यूटेशनल जीमेट्री कंप्यूटेशनल ग्राफिक्स या कंप्यूटेशनल जीमेट्री से आपको डील करना पड़ता है और बिकॉज आपका ग्राफिक्स या जीमेट्री जो रेंडर हो रही है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे रेंडर हो रही है दैट इज वाई यू नीड टू हैव सर्टेन अदर पैरामीटर्स लाइक दिस परस्पेक्टिव मेट्रिक्स ठीक है तो हमारे को एक परस्पेक्टिव मेट्रिक्स की भी जरूरत होती है इन फिजिकल कोऑर्डिनेट यू डू नॉट नीड परस्पेक्टिव मेट्रिक्स बट जब आप कंप्यूटर्स के डोमेन में काम करोगे बिकॉज द ग्राफिक्स हैज़ टू बी रेंडर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन पे रेंडर करने के लिए यू नीड टू हैव अ परस्पेक्टिव मेट्रिक्स सिमिलरली कंप्यूटर ग्राफिक्स में यू विल डू आइदर जूम इन और जूम आउट और आप क्या करोगे स्केलिंग करोगे सो दैट इज़ वाई यू नीड अनदर पैरामीटर दैट इज स्केल फैक्टर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ठीक है सो so, अगर मैं इस मेट्रिक्स को ये जो मेरा फिजिकल कोऑर्डिनेट में है ऑगमेंटेड मेट्रिक्स जिसका एक कंपोनेंट तो रोटेशन मेट्रिक्स है सेकेंड कंपोनेंट ट्रांसलेशन मेट्रिक्स है सो so, अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, सो दिस इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो मुझे क्या करना पड़ेगा आई हैव टू एड वन मोर रो आई हैव टू एड मोर रो एक मेरे को रो और ऐड करनी पड़ेगी सो so, एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा और एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा अगर मैं एक रो और ऐड कर देता हूँ सो so इसका जो ऑर्डर है मेट्रिक्स का दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन टू अ फोर बाय फोर स्क्वायर मेट्रिक्स सो इसको एफिशियंट बनाने के लिए टू गेट मोर डेटा फ्रॉम अ सिंगल मेट्रिक्स हम क्या करते हैं इसमें एक और रो को ऐड कर देते हैं और उस रो में जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप से होंगे सो इट विल बी गामा वन गामा टू गामा थ्री एंड जो फोर्थ एलिमेंट होगा दैट विल बी सिग्मा सो ये जो गामा वन गामा टू गामा थ्री है दिस इज अ सब मेट्रिक्स जिसका ऑर्डर है वन क्रॉस थ्री सो इसमें वन रो है थ्री कॉलम्स हैं दिस इज दर्स्पेक्टिव इसी को हम परस्पेक्टिव मेट्रिक्स या सब मेट्रिक्स बोल सकते हो आप एंड ये जो है दिस इज अ स्केलर और यू कैन राइट इट वन क्रॉस वन मेट्रिक्स ठीक है दिस इज नोन एज द स्केल फैक्टर So, हम इस रो को अपने फिजिकल कोऑर्डिनेट या कार्टीजन कोऑर्डिनेट के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इस प्लेस पे लास्ट में आप इस रो को ऐड कर दोगे सो यू विल गेट द सेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम सो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिजिकल कोऑर्डिनेट यानी इस रिप्रेजेंटेशन में आपके पास ओनली टू फील्ड्स हैं सो दिस थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स ये एक सब फील्ड है

ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो कौन कौन सा डेटा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ सो so, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इन द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स सो ये जो मैंने एच लिखा है दैट मीनस इन द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रजेंट द रोटेशन दिस इज द सेपरेशन एंड टी इज द ट्रांसलेशन सो अगर मैं इस मैट्रिक्स को जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ सो दिस इज द थ्री बाई थ्री सब मैट्रिक्स ठीक है ये हमारा प्रीवियस वाले फिजिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी प्रेजेंट था दिस थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दी रोटेशन या ओरिएंटेशन ये तो हमारा पहले में भी था दिस थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स ये जो थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स है दिस इज थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स इट रिप्रजेंट ट्रांसलेशन ये भी हमारा था बट वी हैव एडेड अनदर रो इस रो के एड करने से अब इस सेम मैट्रिक्स में सेम मेट्रिक्स में वी हैव मोर डेटा सो दिस इज परस्पेक्टिव मेट्रिक्स दिस इज पर मेट्रिक्स इट इज अन क्रॉस थ्री मेट्रिक्स एंड दिस इज अनादर मेट्रिक्स वन क्रॉस वन दिस इज स्केल फैक्टर सो जहाँ पे आप कार्टिजन कॉर्डिनेट में एक मेट्रिक्स के अंदर यू कैन ओनली रिप्रेजेंट टू डेटा फील्ड फर्स्ट वन वॉज द रोटेशन इतना रिप्रेजेंट करते थे सेकेंड वन इज ट्रांसलेशन इतना सो फिजिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम रहते या का्टिशियन कोऑर्डिनेट में हम रहते सो वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट ओनली दिस मच डेटा इन अ सिंगल मेट्रिक्स बट इसको अगर हमने होमोजीनियस ट्रांसलेशन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया सो इन अ सिंगल मेट्रिक्स वी आर एबल टू रिप्रेजेंट दिस मच ऑफ डेटा सो एक ही मेट्रिक्स में हमने रोटेशन को भी रिप्रेजेंट कर दिया ट्रांसलेशन को भी रिप्रेजेंट कर दिया कंप्यूटर रेंडरिंग के लिए प्रस्पेक्टिव को भी रिप्रेजेंट कर दिया और कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के लिए स्केल फैक्टर को भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया सो फिजिकल कोऑर्डिनेट से होमोजीअस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के आपको बहुत सारे फायदे मिले फर्स्ट आपने इसके ऑर्डर को फोर बाय फोर कर दिया दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सो कंप्यूटेशनली इट बिकम्स सफिशियंट सेकेंड इन अ सिंगल मेट्रिक्स नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर डेटा आप रोटेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रांसलेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्केल फैक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और पर्सपेक्टिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सो दिस इज द रीजन वाई वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम फिजिकल कॉर्डिनेट टू होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ठीक है सो फिजिकल कोऑर्डिनेट में जो मैट्रिक्स हमारा था उसका ऑर्डर होता थ्री क्रॉस फोर है ना थ्री रोज होती एंड फोर कॉलम्स होते बट इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम द ऑर्डर इज फोर क्रॉस फोर और इसको इस टाइप से लिखने की जगह वी राइट इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर वन एंड वी राइट इट लाइक दिस सो दिस टी रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द फ्रेम नंबर टू एंड दिस सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द फ्रेम नंबर वन सो अगर आप इसको बोलो तो आप स्टेप से बोलोगे दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर वन सो अगर कोई पॉइंट है एक रेजिड बॉडी पे इन फ्रेम नंबर टू इफ़ यू प्री मल्टीप्लाई विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट इन फ्रेम नंबर वन ठीक है सो so, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस कॉर्डिनेट इज यूजफुल इन डेवलपिंग मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशनक्लूड रोटेशन ट्रांसलेशन स्केलिंग एंड परस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कम्बाइंड टुगेदर इन कॉम्पैक्ट बेटर अपियरिंग एंड मोर अफिशियंट फॉर्म ठीक है, है? ये मैंने आपको बता दिया है आपको एक ही मेट्रिक्स में रोटेशन डिसमेंट या ट्रांसलेशन पर स्केल यह सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मेट्रिक्स में मिल जाती है दैट इज वायू कन्वर्ट फ्रॉम फिजिकल कॉर्डिनेट टू होमोजीनियस कॉर्डिनेट्स द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स इज अ फोर बाय फोर मेट्रिक ठीक दैट इज डिफाइंड फॉर दीपज ऑफ मैपिंग अ होमोजीनियस पोजिशन वैक्टर फ्रॉम वन कॉर्डिनेट सिस्टम टू अनदर दिस होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक कैन बी पार्टीशन एस एज ये मैंने आपको चार सब मेट्रिक बना के दिखा दिए हैं सो दिस थ्री बाई थ्री मेट्रिक्स ये हमारा पहला सब मेट्रिक्स है दिस मेट्रिक्स थ्री क्रॉस वन ये सेकेंड सब मेट्रिक्स है दिस दिस क्रॉस इज थर्ड सब मेट्रिक्स एंड दिस वन क्रॉस वन स्केलर इज दोर्थ सब मेट्रिक्स ठीक तो ये कुछ पॉइंट्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए सो वी कैन राइट द प्रीवियस होमोजीनियस

ऑफ फ्रेम टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वन एंड दिस इज अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ठीक है सो so, मैंने नाइन एलिमेंट्स को ना लिखते हुए एक रोटेशनल मेट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया दिस इज अ बेटर फॉर्म एंड अ मोर कंडेंस्ड फॉर्म ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा थ्री क्रॉस वन का एक मेट्रिक आएगा जो हमने देखा था प्रीवियस पेज में सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ठीक है हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल मेट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे तो so, उन तीन एलिमेंट्स को लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी टू विद रिस्पेक्ट टू वन और इसको एक मेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग गामा वन गामा टू गामा थ्री एज अ वन क्रॉस थ्री मेट्रिक आई विल सिंपली राइट गामा और यहाँ पे इसके ऑर्डर को लिख दूंगा वन क्रॉस थ्री और यहाँ पे आप स्केल फैक्टर यू कैन राइट सिग्मा एंड वन क्रॉस वन ठीक इसको अगर आपको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है सो यू कैन ऑल्सो डिलीट द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स बिकॉज दिस इज क्वाइट विजिबली अंडरस्टूड कि इसका ऑर्डर क्या होगा ठीक है आप इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हो बट

विद रिस्पेक्ट टू द फिक्सड फ्रेम यानी कि जो यूनिवर्सल या ग्लोबल फ्रेम है जिसको फ्रेम वन बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में फ्रेम टू की क्या ओरिएंटेशन होगी दैट इज डिफाइंड बाय दिस थ्री बाय थ्री सबमेट्रिक्स ठीक है सो so ये जो ये वाला सबमेट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री यहाँ पे जो नाइन एलिमेंट्स होते हैं दैट डिफाइंज दी ओरिएंटेशन ऑफ द मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द फिक्सड फ्रेम अब इसकी बात कर लेते हैं दिस इज अ थ्री क्रॉस वन मेट्रिक्स और द डिस्प्लेसमेंट विद मेट्रिक्स

दिस वॉज द रोटेशनल सो गामा क्रॉस थ्री रिप्रेजेंट दर्स्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल मेट्रिक्स ये यूज so, होता है आपका कंप्यूटेशनल जोमेट्री कंप्यूटेशनल रेंडरिंग और कंप्यूटेशनल काइनामेटिक्स या फिर जो आपकी रोबोट सिमुलेशन होती हैं उसमें ठीक है एंड द लास्ट सब दैट इज सिग्मा जो कि वन क्रॉस वन है स्केलर है दिस इज द स्केलिंग फैक्टर ठीक है तो ये मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर क्या बताया ऑलरेडी वैक्टर्स वाले सब पोर्शन में कवर करा रखा है ठीक नाउ जनरली काइनामेटिक्स में जब हम मैकेजम्स एंड मशीन्स एंड स्पेशली रोबोट मैनोपलेटर्स की काइनामेटिक्स को डिस्कस करते हैं देन इंस्टेड ऑफ दिस पर मैट्रिक्स सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द थ्री कंपोनेंट्स लाइक गामा वन गामा टू गामा थ्री इनकी वैल्यू को हम रोबोट काइनामेटिक्स में वी यूजअली टेक इट टू इक्वल टू जीरो जीरो एंड जीरो सो परस्पेक्टिव की जगह हम जीरो जीरो ज़ीरो लेते हैं इन रोबोट काइनामेटिक्स ऑफ मैकेनिज्म एंड रोबोट मैनिपुलेटर्स सिमिलरली स्केलिंग फैक्टर में वी टेक द वैल्यू ऑफ स्केल फैक्टर टू बी इक्वल टू वन ठीक है दिस इज़ वॉट वी टेक एज डिफॉल्ट वैल्यूज अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्सप्लेसिटली मैंशनड अगर मैंशन नहीं किया गया है सो दीज आर गोइंग टू बी द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ गामा दैट इज दर्स्पेक्टिव मेट्रिक एंड सिगमा दैट इज द स्केलिंग फैक्टर सो अगर मैं होमोजीनियस ट्रांसफॉमेशन मेट्रिक्स को दोबारा से लिखूँ सो इंस्टेड ऑफ गामा वन गामा टू गामा थ्री यू कैन राइट जीरो 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 इंस्टेड ऑफ सिगमा यू कैन राइट वन और यहाँ पे हमारे नाइन एलिमेंट्स आएंगे थ्री क्रॉस थ्री रोटेशनल सब मेट्रिक्स के और यहाँ पे हमारे थ्री एलिमेंट्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अक् कॉलम सब मेट्रिक्स डेट विल बी दी पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल सब मेट्रिक्स ठीक है सो so, इसको हम स्टेप इस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, अब हमें होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है ये हमको समझ में आ गया है इसके बाद अस डिस्कस फ्यू बेसिक ऑपरेशंस इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स सो जो पहला और सबसे बेसिक ऑपरेशन है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ सम यूनिट सो लेटस कॉल इट d सबस्क्रिप्ट x along the x axis ठीक है कोई आपका फ्रेम है उसको आपने ट्रांसलेट करा है बाय दिस मच यूनिट अलोंग द एक्सेस इसको आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे सो so, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग दिस नोटेशन सो फॉर ट्रांसलेशनल ऑपरेशन यू कैन राइट ट्रांस ये सिम्बॉलिक है रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेशनल ऑपरेशन की एंड देन यू राइट द एक्सेस आई विल राइट एक्स एक्सेस एंड देन यू विल राइट द नंबर ऑफ यूनिट सो so, हमें डी सबस्क्रिप्ट एक्स यूनिट से हमने ट्रांसलेट कराया है अलोंग दी एक्स एक्सेस इसको सिम्बोिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अ फोर बाय फोर मेट्रिक बिकॉज जितनी भी ऑपरेशन हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग दैम इन टर्म्स ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स ठीक है सो so, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैंने आपको बताया था यहाँ पे थ्री बाय थ्री का एक सब मेट्रिक्स आएगा यानी कि नाइन एलिमेंट्स आएंगे सो दिस इज द रोटेशन अब यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशन हो रही है

सो so, यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है इट इज़ गोइंग टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा हमारा थ्री क्रॉस वन का ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा सो फर्स्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी डी एक्स दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सेस इट इज गिविन अस डी एक्स वाई के अलॉन्ग में कोई डिसप्लेसमेंट नहीं है जेड के अलोंग कोई डिसप्लेसमेंट नहीं है सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड जीरो यहाँ पर आपका गामा वन गामा टू गामा थ्री होता है रोबर्ट कानामेटिक्स में वी टेक इट इक्वल टू जीरो इस किलिंग फैक्टर इज गोइंग टू भी वन सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट देशन बाई डी एक्स यूनिट अलॉन्ग दिमलरली दिस इज द ट्रांसलेसन ऑफ डी सबस्क्रिप्ट वाई यूनिट अलॉन्ग दी वाई एक्सेज सो डी वाई यूनिट आपने मूव कराया अलोंग वाई एक्सेज इसको आप ऐसे लिखोगे सिम्बॉलिकली सो यू राइट इट लाइक दिस फर्स्ट यू राइट ट्रांसलेसन दैट इज टी आर एन एस ट्रांस So, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसलेशन ऑपरेशन का देन यू राइट द एक्स देन यू राइट नंबर ऑफ यूनिट दैट इट हैज मूव्ड, सो वी राइट वाई एंड डी वाई सो नो रोटेशन, ये थ्री बाय थ्री सब मेट्रिक इज गोइंग टू वेन आइडेंटिटी मेट्रिक्स ठीक है यहां पे एक्स के अलोंग जीरो यूनिट वाई के अलोंग आपने मूव किया डी वाई और जेड के अलोंग जीरो this is perspective and this is a scale factor similarly translation of dz unit along the z axis is aap kaise represent karoge so symbolically it will be represented like this you will write trans trans ka matlab hai translation mapping and first you write the axis so this is the axis comma this is the number of units move so isko aap kaise the 3 by 3 rotation matrix hai. that will become identity matrix because there is no rotation ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा सिमिलरली एक्स के अलोंग जीरो मूवमेंट वाई के अलोंग जीरो मूवमेंट जेड के अलोंग जो मूवमेंट है दैट इज़ इज़ ऑफ यूनिट दिस परस्पेक्टिव एंड दिस इज द स्केल फैक्टर ठीक है इतना समझ में आ गया नाउ वी विल चेक द रोटेशन ऑपरेशन सो बिफोर चेकिंग द रोटेशन ऑपरेशन लेट अस ट दम्पोजिट ट्रांसलेशनल ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मल्टीपल एक्सेस के अलॉन्ग मल्टीपल यूनिट्स हमारी ट्रांसलेट हो रही है सो केस यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ डी एक्स यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सेस फॉलोड बाय ट्रांसलेशन ऑफ डी वाई यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सेस फॉलोड बाई ट्रांसलेसन ऑफ डी जेड यूनिट अलॉन्ग दर ये हो रहा है तो इसको आप सिम्बोिकली यू विल रिप्रजेंटिड लाइक दिस कॉमा डी एक्स इसके बाद हो रहा है ट्रांसलेशन y कॉमा डी वाई एंड देन ट्रांसलेशन हो रही है आपकी z एक्सिस पे dz यूनिट ठीक है सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू अगर आप इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखो सो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ठीक है सो so जो इसका रोटेशन मैट्रिक्स है दिस थ्री बाय थ्री रोटेशन मैट्रिक्स दैट इज गोइंग टू बी जीरो परस्पेक्टिव इज गोइंग टू बी जीरो स्केल फैक्टर इज गोइंग टू बी वन एंड यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तीन कंपोनेंट आते थे फर्स्ट एक्स एक्सिस पे कितना हो रहा है डी एक्स वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है डी वाई जेड एक्सेस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है डी जेड सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस कंपोजिट ऑपरेशन सिमिलरली एक प्रॉपर्टी है जो ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम ट्रांस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एक्सिस कॉमा यूनिट ये जो ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर सो अगर आप फर्स्ट ट्रांस एक्स कॉमा डी एक्स लिखोगे उसके बाद यू राइट ट्रांस वाई कॉमा डी वाई सो जो रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम एज इफ यू राइट फर्स्ट दिस टर्म एंड देन सेकेंड यू राइट दिस टर्म ठीक है सो अगर आप पहले एक्स के अलॉन्ग ट्रांसलेट कराओ फिर वाई के अलांग ट्रांसलेट कराओ सो जो इसका रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेम एज फर्स्ट यू ट्रांसलेट अलॉग वाई एंड देन यू ट्रांसलेट अलॉन्ग एक्स सो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन डज नॉट मैटर बिकॉज ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर सो so, अब कुछ बेसिक ऑपरेशन रिलेटेड टू रोटेशन को हम चेक कर लेते हैं ठीक है सो फर्स्ट वन इज़ द रोटेशन ऑफ एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सेज अगर आपने थीटा एंगल से रोटेट कराया है अबाउट एक्स एक्सेस हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सो सिम्बोलिकली इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सो अगर मैं आपके लिए लिख देता हूँ सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सो रोटेशन को यू कैन राइट आर ओ टी इसका सिम्बोलिक मतलब है रोटेशनल ऑपरेशन देन यू कैन राइट द एक्सेस अबाउट विच रोटेशन इज टेकिंग प्लेस एंड देन यू कैन राइट द एंगल लाइक दिस ठीक है सो इन होमोजीनियस कॉर्डिनेट्स दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ फोर बाई फोर मेट्रिक्स सो यहाँ पे ओनली रोटेशन इज टेकिंग प्लेस ट्रांसलेसन जीरो है सो ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसलेशनल सब मेट्रिक्स इज गोइंग टू बी जीरो सो डी एक्स डी वाई डी जेड ये तीनों जीरो हो गए दिस इज स्केलिंग फैक्टर एंड दिस इज परस्पेक्टिव ये जीरो 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 और स्केल फैक्टर वन नाउ दो मेन वेरिएबल सब सबमेट्रिक्स है दैट इज दिस थ्री बाय थ्री सब सबमेट्रिक्स याद करना स्क्रू एक्सेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन के लेक्चर में मैंने आपको फ्रॉम दी स्क्रू एक्सेज रिप्रेजेंटेशन से फंडामेंटल रोटेशन मेट्रिक्स डिराइव करके दिखाए थे वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था कि ये फंडामेंटल रोटेशन मेट्रिक्स स्क्रू एक्सेस रिप्रेजेंटेशन से कैसे डिराइव करते हैं सो so, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज़ कर लिया है उसको हम दोबारा से डिराइव करके यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रोटेशन बाय सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेक्सेज या अबाउट द एक्सेस ठीक है तो so, मैंने क्या करा ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया सो दिस इज वन जीरो 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 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो साइन थीटा एंड कॉस थीटा ठीक है सो ये स्टैंडर्ड रोटेशन फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको डेवलप कैसे करना है वो आपको पूरी प्रोसीजर दिखाई है सो बी श्योर टू चेक माय प्रीवियस वीडियोस ठीक है सो दिस इज द फोर बाय फोर होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन बाय सम एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सेस सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इफ़ यू आर हैविंग अ रोटेशन ऑफ सम एंगल थीटा अबाउट द वाई एक्सेस सो इट को इसको आप सिम्बोलिकली यू विल राइट इट लाइक दिस यू विल राइट आर ओ टी आर ओ टी का मतलब रोटेशन फर्स्ट यू विल राइट द एक्सेस देन यू विल राइट द एंगल सो वाई कॉम अ थीटा सो ये फंडामेंटल रोटेशन मेट्रिक्स है अबाउट वाई एक्सेस जो हम रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कराते हैं उसका यह फंडामेंटल रोटेशन मेट्रिक्स है सो दिस इज कॉस थीटा जीरो साइन थीटा जीरो वन जीरो माइनस साइन थीटा जीरो एंड कॉस थीटा बिकॉज देर इज़ नो ट्रांसलेशन सो ये डिसप्लेसमेंट वैक्टर के तीनों कम्पोनेंट जीरो डी एक्स डी वाई एंड डी जैड आर जीरो ये गामा वन गामा टू गामा थ्री द रोटेशन अबाउट लाइक दिस और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फंडामेंटल रोटेशन द रोटेशन इज प्लेस अबाउट दॉ थीटा माइनस थीटा जीरो साइन थीटा कॉस्थीटा जीरो 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 वन दिस इज डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ये है ट्रांसलेशनल सब मेट्रिक जो कि जीरो हो जाएगा बिकॉज दियर इज नो ट्रांसलेशन ओनली रोटेशन इज टेकिंग प्लेस ये परस्पेक्टिव जीरो 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 स्केल फैक्टर वन सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोटे अबाउट मल्टीपल एक्सेस अगर ऐसा आपके पास एक केस है जहां पर फर्स्ट यू आर रोटेटिंग बाई एंगल थीटा वन अबाउट द एक्स एक्सेस फॉलोड बाई रोटेशन ऑफ एंगल थीठा टू अबाउट वाई एक्सेस दैन फॉलोड बाय रोटेशन ऑफ एंगल ठीटा थ्री अबाउट दसेस ठीक है सो इस टाइप के मल्टीपल रोटेशन हो रहे हैं इट कैन बी रिकॉर्डेड एज कम्पोजिट रोटेशन मेट्रिक्स तो हम इसमें फाइनली रोटेशन मेट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है सो बिकॉज दी रोटेशनल मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैटर्स और लॉट ठीक है सो so, उससे आंसर चेंज हो जाता है दैट इज वाई मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ रोटेशन में पढ़ाया था देर आर टू मैथड्स ऑफ राइटिंग द रोटेशन मेट्रिक्स फर्स्ट इज द फिक्सड एंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोट रिप्रजेंटिंग दी ओरिएंटेशन फिक्सड एंगल में क्या होता है अगर आपका पहले एक्स एक्सेस के अलोंग थीटा वन रोटेट हुआ है फिर वाई एक्सेस के अलोंग थीटा टू फिर जेड एक्सेस के अलोंग थीटा थ्री सो so, जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है दैट इज गोइंग टू बी एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ठीक है सो so, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है ठीक उसके इफ दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन दिस इज देशन एंड दिस इज दर्ड ऑपरेशन सो फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज गोइंग टू भी ऑन दी एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड

ये जो सिम्बॉलिक नोटेशन है इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस फोर बाय फोर मेट्रिक्स ये हमको पता है दिस इज द स्टैंडर्ड दमूला फॉर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस इस वाले सब मेट्रिक्स की वैल्यू इज इक्वल टू दिस फोर बाय फोर सब मेट्रिक्स दिस इज द स्टैंडर्ड दार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था बेसिक ऑपरेशन फॉर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस और ये जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है इन दिम्बोलिक फॉर्म इसको जब आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे सो इट विल बी विलय फोर मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला और द बेसिक ऑपरेशन व्हेन ओनली रोटेशन इज टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस सो ये हमारा एक्स एक्सेक्स के अबाउट रोटेशन का फॉर्मूला है ठीक सो फोर बाय फोर की ये मेट्रिक्स हैं मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज दीज आर शोइंग कन्फॉर्मेंस फॉर मल्टीप्लीकेशन तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अगेन मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है ठीक है सो यू विल गेट अगेन आ फोर बाय फोर मेट्रिक्स सो दीज आर द एलिमेंट्स सो दिस इज ए वन वन दिस इज ए वन टू दिस इज ए वन थ्री एंड सो ऑन सो अगर आप इसको अगेन एक पार्टीशन फॉर्म में लिखोगे सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ठीक है सो दिस थ्री बाय थ्री सब मेट्रिक ये हमारा कंपोजिट रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रजेंट दी ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द थ्री रोटेशंस ठीक है ये हमारा कम्पोजिट रोटेशन मेट्रिक्स है डिस्प्लेसमेंट इज अगेन ज़ीरो बिकॉज कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है नो ट्रांसलेशन। दिस थिंग अगेन परस्पेक्टिव जीरो 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 एंड दिस इज द स्केल फैक्टर ठीक सिमिलरली देर इज एन अनदर मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी रोटेशन या ओरिएंटेशन दैट इज़ नॉन एज दर एंगल या मूविंग एंगल रीप्रजेंटेशन इसमें क्या होता है द प्रोसीजर इज सेम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सो आई विल जस्ट राइट द फाइनल रिजल्ट सो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा फर्स्ट हमने रोटेट कराया था अबाउट एक्सेस सो आप जिस सीक्वेंस में रोटेट करोगे उसी सीक्वेंस में आप ऑपरेशन लिखोगे सो देयर इज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन और बिकॉज ऑयलर एंगल या मूविंग एंगल होता है इसमें वी डो नॉट कंसिडर द रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड फ्रेम इंस्टेड मूविंग फ्रेम के अराउंड रोटेशन को हम स्टडी करते हैं और मूविंग फ्रेम की एक्सेस होती हैं यू वी एंड डब्ल्यू सो इंस्टेड ऑफ एक्स वाई एंड जी यू हैव टू राइट यू वी एंड डब्ल्यू सो पहला रोटेशन हमारा अबाउट यू एक्सेस था जो एक्स था बट यहाँ पर हम यू यू के अलॉन्ग लेंगे सेकेंड रोटेशन अबॉज अलॉन्ग वाई एक्सेस सो वी विल टेक द रोटेशन अबाउट वी एंड थर्ड ऑपरेशन वॉज द रोटेशन अबाउट द जेड एक्सेस सो मूविंग एंगल में z की जगह हम w लेते हैं ठीक है सो दिस इज़ फर्स्ट ऑपरेशन देन पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे उससे आप सेकेंड ऑपरेशन को देन थर्डली आप उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे थर्ड ऑपरेशन से ठीक है सो so, आप ये सिम्बॉलिक नोटेशन जो है इनको फोर बाय फोर मेट्रिक्स लिखोगे इनके लाइक like दिस इनके तीनों के फोर बाय फोर होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक यू हैव टू राइट लाइक दिस एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ठीक है तो so, आप यहाँ पे फोर बाय फोर मेट्रिक्स लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस देन यू विल राइट वन फोर बाय फोर मेट्रिकिंग टू दिस सिम्बॉलिक नोटेशन देन आप एक फोर बाय फोर लिखोगे लिखोगेडिंग टू दिस इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल अगेन यू विल अगेन गेट अ फोर बाय फोर मेट्रिक्स सो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे सो यू विल अगेन गेट दिस मेट्रिक्स रिजल्ट विल बी एग्जैक्टली द सेम भले ही आप उसे फिक्स्ड एंगल से करो या ऑयलर एंगल से करो The final composite rotational matrix is going to be exactly this term, theek hai So ye hamara bilkul same result aayega So it does not matter aap kaun sa method use karte ho final result is going to be same. So the final result will be same from both the representations. यानी के fixed angle से करोगे तब भी same आएगा, moving angle से करोगे तब भी same आएगा. ठीक? Only difference is that the sequence of operation varies. So एंगल रिप्रेजेंटेशन या मूविंग एंगल रिप्रेजेंटेशन में यू हैव टू डू सक्सेसिव पोस्ट वेयर एज इन दी एंगल रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू डू सक्सेसिव प्री सक्सेन ठीक है खाली ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन वेरी करता है फाइनल कंपोजिट रोटेशन मेट्रिक्स सेम आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मेट्रिक्स सो ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सो अगर आप पहले इस मेट्रिक्स को लेते हो यू टेक द ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सेस एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सेज इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस सो अगर आप फर्स्ट एक्स के अलोंग ट्रांसलेट करते हो देन वाई के अलोंग ट्रांसलेट करते हो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम एज इफ फर्स्ट यू ट्रांसलेट अलोंग वाई एंड देन यू ट्रांसलेट अलोंग एक्स सो ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टीज़ यह है हमारी रोटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सो so आपने इस टाइप से फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिक्स देखे होंगे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया रोटेशन अबाउट द जेड एक्सेस बाय सम एंगल थीटा सो ये फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिक्स है इसको हमने डेवलप करा था स्क्रू एक्सिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरटेशन के लेक्चर में ठीक है तब तक आप इससे फेमिलियर हो चुके होंगे सो ईच रो और कॉलम कोई भी रो ले लो इसकी ठीक है इट हैज़ गॉट थ्री रोज या आप कोई भी कॉलम ले लो इसके तीन कॉलम हैं ठीक है कोई भी रो ले लो या कोई भी कॉलम ले लो ऑफ दिस फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिक्स इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इसका मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोइंग टू बी वन सो किसी भी रो का मैग्नीट्यूड वन है और किसी भी कॉलम का मैग्नीट्यूड वन है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ रो वन का सो द मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉस्ट थीटा होल स्क्वायर प्लस टर्म दैट इज स्क् रूट ऑफ माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टर्म, सो आप यहाँ पर देखोगे रिजल्ट इज वन सिमिलरली अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ कॉलम टू का सो दिस इज कॉलम टू सो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर थ्री एंटीटीज सो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैग्नीट्यूड इज वन सो ई चो एंड कॉलम ऑफ अर रोटेशन मेट्रिक मस्ट बी अूनिट वैक्टर ठीक है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई रो और कॉलम ऑफ आ रोटेशन मेट्रिक्स विद अदर रो और कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स बिकम जीरो सो अगर किसी भी रो को ले लो उसका डॉट प्रोडक्ट किसी और रो के साथ करोगे सो इट विल बी जीरो सिमिलरली कोई भी कॉलम ले लो आप रोटेशन मैट्रिक्स का और उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉलम दैन इट विल ऑल्सो भी जीरो सो इसको हम चेक कर लेते हैं सो लेटस हैव फर्स्ट रो हमने इस रो को ले लिया ठीक है अब इस रो का डॉट प्रोडक्ट लेटस टेक दिस रो वन एंड वी मेक अ डॉट प्रोडक्ट विथ रो टू सो अगर मैं रो वन और रो टू का डॉट प्रोडक्ट कर दूँ सो आई हैव टू मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल एलिमेंट्स सो कॉस थीटा साइन थीटा इट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा देन यू हैव टू एड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज एलिमेंट सो माइनस साइन एंड कॉस इट विल बी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन यू हैव टू एड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू कंपोनेंट दैट विल भी जीरो सो दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा दिस इज माइनस कॉज थीटा साइन थीटा सो इट विल बिकम जीरो सो द एंटायर डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो ठीक है सो so अगर हम किसी भी रो को ले लें ले और उसकी डॉट प्रोडक्ट कर लें किसी और रो के साथ सो द डॉट प्रोडक्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो सिमिलरली इफ यू टेक एनी ऑफ द कॉलम एंड यू टेक द डॉट प्रोडक्ट विथ द एलिमेंट ऑफ सम अदर कॉलम दैन इट विल बिकम जीरो रोटेशन मेट्रिक्स इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर जो रोटेशन मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन है दैट इज नॉट कॉम्युटेटिव बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मैटर्स अगर आप रोटेशन पहले एक्स एक्सेस के अलॉन्ग करा रहे हो दैन आप रोटेशन वाई एक्सेस के अलॉन्ग करा रहे हो इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे सो इट इज़ नॉट गोइंग टू भी इक्वल टू फर्स्ट रोटेशन अबाउट वाई एंड देन सेकेंड रोटेशन अबाउट एक्स सो रोटेशन एक्स रोटेशन वाई इज़ नॉट इक्वल टू रोटेशन वाई एंड रोटेशन एक्स बिकॉज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मैटर्स करता है रोटेशन में ट्रांसलेशन में इट इज कम्यूटेटिव ट्रांसलेशन में मैटर नहीं करता बट रोटेशन में इट मैटर्स ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो रोटेशन मैट्रिक्स होते हैं ठीक है सिम्बोलिक फॉर्म में इस टाइप से आप लिख सकते हो ऑल द रोटेशन मेट्रिस आर ऑर्थोगोनल इन नेचर ठीक है सो so, ऑर्थोगोनल होने की वजह से उसी मेट्रिक्स का यानी कि रोटेशन मेट्रिक्स का इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ठीक है सो so, अगर आपसे बोलूं कि रोटेशन मैट्रिक्स आर है आपके पास यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ आर सो आर इनवर्स निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल रोटेशन मैट्रिक्स मात्र ट्रांसपोज लेने से ही आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा ठीक है सो द इनवर्स ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज बिकॉज द रोटेशन मैट्रिक्स आर इज ऑर्थोगोनल ठीक सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर लेक्चर ऑन होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रेसिज एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मेट्रेस एंड ऑल्सो ऑफ ट्रांसफॉर्मेश ठीक है सो इन दैक्सट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर दैन टू फ्रेम्स ठीक है सो so अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पर हम डील करेंगे ऐसी सिचुएशन वेयर वी आर हैविंग मोर देन टू फ्रेम्स सो अभी तक हमने जितनी भी कैनामेटिक्स डिस्कस है सब में दो फ्रेम्स होते थे फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड फ्रेम सेकंड होता था मूविंग फ्रेम बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू फ्रेम्स सो ऐसे केस में जहां पर आपके पास दो से ज्यादा फ्रेम्स हैं सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ थ्री फ्रेम सिस्टम सो इसमें फ्रेम नंबर थ्री है ये दिस इज ब्लू फ्रेम नंबर टू एंड दिस ब्लैक वन इज द फ्रेम वन सो अगर कोई पॉइंट है आपके पास इन फ्रेम नंबर थ्री फॉर एग्जाम्पल यू हैवे पॉइंट लाइक दिस इन फ्रेम थ्री नाउ यू वॉन्ट टू मैप द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन टू द फ्रेम नंबर वन ठीक है सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट इन फ्रेम नंबर वन ये हम करेंगे ठीक है सो so इसका प्रोसीजर होता है फर्स्ट आप क्या करोगे इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन फ्रेम नंबर थ्री से यू जस्ट शिफ्ट द डिस्क्रिप्शन और मैप द डिस्क्रिप्शन टू फ्रेम नंबर टू थ्री से फ्रेम टू पे हम लाएंगे इसको

इनवर्स कैसे निकालना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलोंग विद कंपोज़िट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू फ्रेम्स सो स्टेट फॉर द अपकमिंग एंड विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर